हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको रेलवे गैर तकनीकी लोक प्रीकोटी एनटीपीसी के स्नातक स्तरीय परीक्षा के 12/4/2016 के शिफ्ट 2 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊंगा। दोस्तों, इससे पहले मैं आपके लिए 17 वीडियो डाल चुका हूँ जो कि आपको RRB NTPC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया हूँ। दोस्तों, ये आपका 18वां वीडियो है। दोस्तों, प्लीज़ अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करंट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो और मिल सके। दोस्तों, ये आपका 18वां वीडियो है तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। दोस्तों आपने बताया जिस किसी भी एग्ज़ाम को जाने से पहले आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाना बेहद ज़रूरी होता है। दोस्तों, इसी को देखते हुए मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। तो इसलिए दोस्तों, ये सीरीज लगातार आपके लिए लाया हूँ। प्लीज़ आप वीडियो एक के बाद एक लगातार देखते रहें। इसी वीडियो का 18वां वीडियो का पहला क्वेश्चन, दोस्तों, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने राजवाड़े थे? तो स्वतंत्रता के समय दोस्तों भारत में कितने राजवाड़े थे? दोस्तों, इसके आंसर आपका ऑप्शन सी, 565 राजवाड़े थे। अगला दोस्तों, ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, मतलब ओजोन अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए, 16 सितंबर को। दोस्तों, ये प्रीवियस के आए क्वेश्चन है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं और रेलवे में दोस्तों लगातार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप समझ सकते हैं आपको वीडियो देखना बेहद ज़रूरी होता है। क्वेश्चन चूंकि रिपीट होते हैं दोस्तों, अगर आप वीडियो देखेंगे तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? दोस्तों, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। राजा चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी जो है मुद्रा राक्षस नाटक की विषय है। अगला दोस्तों, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? दोस्तों, अहमदनगर की किस रानी बादशाह के, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, चांद बीबी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था, चांद बीबी ने। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और संघ की क्षेत्रों की सूची दी गई है? राज्य और संघ दोनों की सूची दी गई। दोस्तों, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए, पहली अनुसूची में भारतीय संविधान के राज्य और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है, पहली में। अगला दोस्तों, UFO का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, UFO का फुल फॉर्म, दोस्तों आपको हम लगातार वीडियो में बताएं कि हर वीडियो में आपको 2-3 फुल फॉर्म जरूर मिलते हैं, इसलिए दोस्तों आप फुल फॉर्म जरूर याद करके जाइए, 2-3 आपको ऐसे ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यही आपका UFO का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। दोस्तों, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ऑप्शन बी है दोस्तों इसका आंसर, UFO का फुल फॉर्म। अगला दोस्तों, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन सी, मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। अगला दोस्तों, कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है? तो कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर यात्रा के लिए? दोस्तों, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, 12। अगला दोस्तों, हिम नदी बनती है तो ग्लेशियर आपका कैसी बनती है? दोस्तों, तो ग्लेशियर आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बर्फ के जमाव से आपका हिम नदी अर्थात ग्लेशियर बनती है। अगला दोस्तों, ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध दोस्तों किसके, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक आपका इस दोस्तों आंसर डी सही है, राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक कहा जाता है, ऑप्शन डी दोस्तों। अगला दोस्तों, वर्ष 2015 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, खड़गा प्रसाद शर्मा ओली ने। अगला दोस्तों, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? दोस्तों, इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, जिससे अगला वीडियो बनाने में दोस्तों प्रेरणा मिलती है, प्लीज़ लाइक जरूर करें। अगला दोस्तों, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, चीता। अगला दोस्तों, गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए, एनीलिंग होती है दोस्तों प्रक्रिया, उसे को गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है दोस्तों? दोस्तों इसका आंसर आपका ऑप्शन ए क्वेंसी हुएंग, क्वेंसी हुएंग, इनका इनके नेतृत्व का इन्हें श्रेय दिया जाता है दोस्तों, चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय, ऑप्शन ए है दोस्तों इसका। अगला दोस्तों, मैग्नीशिया मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? मैग्नीशिया मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर आपका ऑप्शन ए घुट्टी लैक्सेटिव, घुट्टी लैक्सेटिव के रूप में इसका यूज किया जाता है। अगला दोस्तों, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 340 दिन बिताकर वापस धरती में लौटा? दोस्तों इसका आंसर आपका आपका ऑप्शन ए स्कॉट केली, स्कॉट केली जी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 340 दिन बिताकर वापस धरती पर लौटे, स्कॉट केली। अगला दोस्तों, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्तों? इसका आंसर आपका ऑप्शन ए उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। अगला दोस्तों, हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो हवा महल का निर्माण दोस्तों इसका आंसर आपका ऑप्शन सी महाराजा सवाई प्रताप सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। अगला दोस्तों, ब्रांड एंड का आविष्कार किसने किया था? ब्रांड एड का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? इसका आंसर आपका ऑप्शन ए एर्ल डिक्सन ने, एर्ल डिक्सन ने। अगला दोस्तों, मार्टिन को जिनका निधन हाल ही में हो गया किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान थे? दोस्तों ये उस समय 2016 और 15 के करंट अफेयर्स आए थे इसी टाइप, दोस्तों इसका आंसर आपका ऑप्शन सी न्यूजीलैंड के थे, वो पूर्व क्रिकेटर आपके कप्तान जो थे न्यूजीलैंड के थे। अगला दोस्तों, बाईपोलर लेंस का आविष्कार किसने किया था? बाईपोलर लेंस का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? इसका आंसर आपका ऑप्शन बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला दोस्तों, प्रख्यात टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ निम्नलिखित में से किस देश से निवास करती हैं, मतलब किस देश में दोस्तों निवास करती हैं ये दोस्तों? इसका आंसर आपका ऑप्शन सी जर्मनी, वो जर्मनी से बिलोंग करती हैं। अगला दोस्तों, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सोल्यूशन नहीं बनाते, घोल नहीं बनाते, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर आपका ऑप्शन सी अमिश्रणी, ये अमिश्रणी होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई डियर फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक्स।